मुसलमानों के नाम पर ईरान की इसराइल को खुली धमकी। सुप्रीम लीडर खामनेई ने दी चेतावनी, बोले गाजा पर नहीं रुके हमले तो सारे मुस्लिम देश मिलकर देंगे जवाब। हमास के साथ युद्ध के बीच कल इसराइल पहुंचेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। साथ खड़े रहने का जताया भरोसा इसराइल के साथ ही पुतिन ने की ईरान, सीरिया, मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्र प्रमुखों से बात। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 5 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से सुनाया फैसला। कोर्ट बोली कानून बनाना विधायिका का अधिकार। कैश और गिफ्ट के बदले सवाल पूछने के मामले में बढ़ी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किल। लोकसभा अध्यक्ष ने एथिक्स कमेटी को भेजी शिकायत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की है कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया पीएम पद का दावेदार। बोले चुनाव जीतने पर राहुल गांधी या खड़गे बन सकते हैं प्रधानमंत्री। खड़गे बने तो होंगे देश के पहले दलित पीएम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जाति कार्ड। घोषणा पत्र में ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27%। आरक्षण का वादा, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का दिया वचन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को दिए अवार्ड। वहीदा रहमान दादा साहेब फाल्के से सम्मानित। रॉकेट्री को सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो अल्लू अर्जुन को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। बर्फ की वजह से श्रीनगर ले और श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद। दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। न्यूज एटन इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज एटन इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल।